हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का कंटेंट हमारा है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि फ्री टूल। तो जी हाँ, आपके लिए फ्री टूल, कोई भी डोंगल यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप मैं कहता हूँ कि ये टूल अगर आपका एक फ़ोन भी अनलॉक कर देता है तो ये वीडियो आपका बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पता है तो वीडियो को स्किप कर दें, अगर नहीं पता है तो वीडियो को लास्टिंग तक देखें। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली तौर से, मेरे पास एक फ़ोन भी है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर से आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा वर्क करता है कि नहीं करता है गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे मीडियाटेक यूनिवर्सल टूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। मीडियाटेक से जो भी रिलेटेड, चाहे वो ओप्पो, वीवो, एमआई, जो भी फोन होगा, आप उसको इजी तरीके से अनलॉक कर सकते हो। ट्राई करना है आपको सारी चीजें। बट आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे हमें नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे गाइस। तो मैं कहता हूँ गाइस, अगर ये टूल, मैं कहता हूँ अब ये टूल आप यूज ना करें वैसे, क्योंकि अगर आपके पास यूएमटी और यूएमटी है या अनलॉक टूल है तो आप उससे ही काम करें। इन केस कभी वो टूल काम ना कर रहा हो तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा के तौर पे रख सकते हो। बाकी अगर मैं कहता हूँ एक फोन भी अनलॉक हो गया तो मेरे चैनल से देखने का आपका मोटिव पूरा हो गया। बट अगर ये ट्रिक, अगर ये एक भी वीडियो काम कर जाए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टूल मिलेगा कैसे? ये टूल आपको मिलेगा मीडियाटेक यूनिवर्सल टूल, ये आपको मिलेगा, मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। चलिए तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्ट्रैक्ट कर लिया, आप इसको इंस्ट्रैक्ट कर लोगे, मैं भी इसको इंस्ट्रैक्ट कर लिया था। तो आप देखोगे मीडियाटेक यूनिवर्सल टूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे कर लेना आपको ओपन। आप वीडियो को अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आपका टूल वर्क नहीं करेगा और कमेंट में आप बोलोगे अरे सर आपने तो फेक वीडियो बना दिया है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है गाइस। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले टूल में जा करके यहाँ पे ड्राइवर दिखाई दे रहा है, तो आपका जो भी बीट है आप उसको ड्राइवर को चला देना है, नहीं तो आपका फोन कनेक्ट नहीं होगा। पास दिखाएगा फिर भी काम आपका नहीं होगा गाइस। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने चला दिया है तो आपको यहाँ पे ड्राइवर को चला देना है। फिर उसके बाद ये सारे टैब हैं, ये जितने भी टैब हैं आपको यूज करना है, आपको इस पे काम करना है, चाहे वो ऑथ बाईपास का हो चाहे फॉर्मेटिंग का हो। ये सेफ फॉर्म, मतलब आपका डाटा लॉस नहीं होता है। सैमसंग एफ आर पी ऑल इन वन नहीं, क्योंकि सैमसंग एफ आर पी ओनली मीडियाटेक सीपीयू आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इरेज एफ आर पी, अगर किसी का भी आप एफ आर पी रिमूव करना है मीडियाटेक से रिलेटेड तो आप इसकी एफ आर पी रिमूव कर सकते हो। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये डेमो भी है, ओप्पो वीवो के डेमो भी डले हुए हैं, डेमो भी रिमूव आप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट एक प्रैक्टिकल, तो देखिए हमारे पास एक फोन है जो कि यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है, तो हम ये प्रैक्टिकल यूट्यूब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ गाइज, अगर यही फोन आता है, ये वीवो का 991 है, अगर यही फोन आता है आप इसे अनलॉक कर लेते हो तो आपका लाइक तो बनता है गाइज। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे कर देते हैं सेम फॉर्मेट और यहाँ पे हम कर देते हैं स्टार्ट। अब ये कह रहे हैं कि वैल्यूम, जब आप देखोगे यहाँ पे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको वैल्यूम अप डाउन इंसर्ट केबल। तो मैं फोन को कर लेता हूँ बंद, फोन गाइस कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से बंद। अब आपको वैल्यूम अप डाउन, इसकी जो वैल्यूम अप डाउन दबा कर आपको यूएसबी केबल कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूम अप डाउन को प्रेस किया हूँ और यूएसबी केबल को इन करूंगा। मैंने वैल्यूम अप डाउन प्रेस किया हुआ है, अब यूएसबी केबल को इन करेंगे। और साथ ही साथ हमेशा आप डिवाइस मैनेजर को खोल के भी चले, इसमें आपको ये पता चलता रहेगा कि क्या आपका पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है गाइस। तो चलिए अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, चालू हो गया है। तो ये शायद वैल्यूम डाउन मेरी शायद खराब है, उसको 30 प्रेस करना होता है। तो फिर से आप ट्राई कर सकते हो, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। देखिए इसमें चला गया क्योंकि मेरा प्रॉब्लम में है, इसलिए मैं फिर से बंद कर दे रहा हूँ और एक बार फिर से वैल्यूम अप डाउन दबाऊंगा और यहाँ पे यूएसबी केबल इन करूंगा। गाइस मेरा क्या है कि थोड़ा वैल्यूम डाउन खराब है इसका, इस फोन का। तो मैं वैल्यूम अप डाउन हमने दबा दिया है, अब यूएसबी केबल को इन करेंगे। वैल्यूम अप डाउन दबाया है, डिवाइस मैनेजर में आप देखेंगे पोर्ट हमारा बना लेगा। तो यार देख सकते हैं गाइस, क्योंकि मैंने दोबारा इसको जब कनेक्ट किया तो हो गया, और यार बहुत ही कम समय में देख सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन वगैरह सब कुछ ओके हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। मैंने डाटा केबल भी चेंज किया यहाँ पे, तो ये देख सकते हो गाइस हमारा ओके ओके हो गया, यहाँ पे डीए और ये सारी चीजें यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो वो डाटा केबल भी आप चेंज कर सकते हैं, मैंने डाटा केबल चेंज किया हुआ है। तो देखिए हमारा काम हो गया। अगर मैं कहता हूँ अगर एक फोन भी सक्सेस हो गया गाइस तो हमारा पूरे पैसे वसूल हो गए। तो ये हमारा टूल वर्किंग है, कोई भी डोंगल यूज हमने नहीं किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्टेड हो गया, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। तो आप इस टूल में अगर एक फोन भी अनलॉक कर सकते हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा स्मार्ट टेलीकॉम को।
तो ये आपने देखा कि सारी चीजें हो चुका है। अब हम फोन को करते हैं ऑन और देखते हैं कि हमारा ये फॉर्मेट हुआ कि नहीं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद फटाक से हम FRP भी देखने वाले हैं। अगर इसमें गूगल अकाउंट लगा होगा तो हम इसकी FRP भी इरेज करेंगे और देखेंगे कि FRP रिमूव होता है कि नहीं। तो मैं इसको लास्ट तक ले जाऊंगा और आपको चालू करके दिखाऊंगा, फिर आप बताना कि इसकी FRP भी रिमूव हुई कि नहीं हुई गाइस। चलिए थोड़ा सा वेट करिए। तो यहाँ आपको दिखाई देगा हमारा फॉर्मेट हो चुका है डन। अब ये फर्स्ट सेकंड बूट पे चला गया, अभी चालू होगा और आपको फाइनली दिखाएंगे कि स्क्रीन इसकी चालू करके कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइस ये देख सकते हो बेसिकली हमारा अनलॉक हो चुका है। अब इसको हम करते हैं नेक्स्ट, इसको चेक कर देते हैं कि इसमें FRP लगी हुई कि नहीं लगी। तो मैं फटाफट इसको आगे बढ़ा देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि इसमें FRP लगी हुई कि नहीं लगी हुई। गाइस स्किप कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं मोर एक्सेप्ट, और यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कर देते हैं स्किप, यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट। आपको दिखाते भी जा रहा हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ। यूज़ नाउ, तो यूज़ नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे गूगल अकाउंट के लिए सिंगिंग के लिए बोल रहा है। तो चलिए फटाफट इसके FRP उठा देते हैं। तो फ़ोन कर देते हैं ऑफ, ये टूल वर्किंग है नहीं है आपने तो देख लिया है, वर्किंग है बट यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे FRP भी रिमूव करता है कि नहीं करता है। तो हम यहाँ पे FRP रिमूव करते हैं फ्रेंड। तो FRP रिमूव हमने क्लिक कर दिया है, अब यहाँ पे स्टार्ट बटन को क्लिक कर देंगे। स्टार्ट बटन क्लिक कर दिया, आप केवल आपको वैल्यूम अप डाउन दबा के USB केबल इन करना है। तो मैं फिर से वैल्यूम अप डाउन थोड़ा तेज पुश करता हूँ और यहाँ पे USB केबल इन करता हूँ। तो फटाक से देख लेंगे कि हमारा फॉर्मेटिंग, और ये देख सकते हैं फोन हमारा वन टाइम में कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड यहाँ पे ब्राउन मोड में कनेक्ट हुआ है। DA और सेंडिंग सब कुछ ओके ओके ओके, प्रोसेसिंग डन, सक्सेस हो गया। तो अब हम यहाँ पे फिर से फोन को निकाल लेते हैं और यहाँ पे चालू करते हैं और देखते हैं गाइस कि हमारा फॉर्मेटिंग और FRP लाइव हटा कि नहीं हटा। देखिए फोन हमारा चालू हो गया, कोई भी डेड ट्रिक्स नहीं हुआ, ये हम लाइव भी कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो आई थिंक वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें आपके सामने लाइव, प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ यहाँ पे हमने काम किया हुआ है फ्री में, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है फ्री में। मतलब मैंने कहा फ्री में अगर एक टूल भी अगर आपका काम हो जाता है गाइस तो इससे ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फ्री में यहाँ पे देखिए फोन हमारा फटाफट ऑन हो गया। तो फटाक से ये स्टेप फिर से हम करते हैं, स्किप, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे भी कर देते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे भी कर देते हैं स्किप, स्किप कर देते हैं गाइस, यहाँ पे भी कर देते हैं मोर एक्सेप्ट, नेक्स्ट, स्किप, नेक्स्ट, स्किप। ये जो प्रोसीजर है, अब देखिए यूज नाउ पे आ गया। अब यहाँ पे यूज नाउ पे हम क्लिक करेंगे और हमारी FRP डन होनी चाहिए गाइस। 100% वर्किंग टूल है, आपने देखा आपके सामने यहाँ पे लाइव हमने काम किया सारा कुछ। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपके सामने हमने लाइव किया हुआ है। तो ये टूल कैसे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।